आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, बरेली के फतेहगंज पश्चिमी नेपाली से आए हाथी बहेड़ी क्षेत्र से फरचाई, खानपुर, नरखेड़ा, गोटिया, दिनरा, मिर्जापुर, कोशिया आदि स्थानों पर उत्पात मचाने के बाद सोमवार को दोनों हाथी फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव कोसापुर की लिपस्टिक पहुंच गए थे। सूचना पर सुबह जंगलात की टीम कोसापुर पहुंच गई। दिन भर इनके निकलने का इंतजार करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सुबह का इंतजार फिर शुरू हुआ, लेकिन रात में ही हाथी जंगलात की टीम को चकमा देकर शाही क्षेत्र के गांव मूसागंज में पहुंच गए। मंगलवार को सुबह से जंगलात की टीम को हाथी नहीं दिखे तो टीम की चकरा घिन्नी बन गई। जंगलात के अधिकारियों गाड़ियों को लेकर चारों तरफ दौड़ते रहे। 11 बजे मूसागंज मसूरगंज में हाथी होने की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस व जंगलात के अधिकारी मसूरगंज दौड़ पड़े। वहीं हाथियों को देखने पहुंची भीड़ को भी पुलिस ने इन हाथियों से काफ़ी दूर कर दिया, ताकि हाथी अपने गुस्से को शिकार पब्लिक को ना बना ले। जंगली हाथियों का टेकुलर इलाज के लिए दुधवा नेशनल पार्क ले जाया जा रहा है। आइए सर, आपसे स्कूल में भी बड़ा स्कूल में जाके लेक्चर दिया, से भी हाँ हो गया, स्कूल में जाके पूछा तो उस तरफ से कम से कम 5-6 गांव से बच्चे आते हैं, आज उस तरफ नहीं आते। इधर कहीं मिल रहा है सर? अभी ना हम तो उधर से आ रहे हैं, दोनों ऊपर से देखा है ना, कोई दिखा मतलब जो गाँव के लोग थे उन्होंने देखा नहीं, ऐसा तो नहीं कि परसों कहाँ निकल है, परसों तो आए थे, परसों हमने नहीं खाया था, परसों तो आए थे। जो रात बीती है उस पे उसकी बात कर रहे हैं ना, तो आपको गांव किधर पड़ता है? यही इसी दिशा में, 4 किलोमीटर है यहाँ से, 3-4 किलोमीटर है। गाड़ी भी खड़ी है वहाँ आपकी? अरे गाड़ी खड़ी है, हमारे साथ चलेंगे आप? भाई हमारे साथ चलेंगे। तो बड़ी गाड़ी खड़ी है? नहीं, वो तो और आगे निकल गए काफी दूर। अरे तो क्या हुआ यार, अपने गांव तक तो घुमा, अरे गाड़ी चले जाइए, तो पहला एक हफ्ते ऐसे घूमना, गांव तक चले जाओगे तो वो जगह दिखा दोगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ इन्होंने ताजा गन्ना खाया। दो लोग ऐसे हैं जो कल के पास जाए, कल चले जाएंगे, फिर पकड़ना मुश्किल है। चलो आपने वो गन्ने का खेत देखा है? वहाँ तक आप अपना बाहर